नमस्कार। साहित्य तक पर मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का, जो भी हमारे साथ हैं, स्वागत करता हूं। हालांकि यह स्वागत करने का समय नहीं है, यह हम प्रख्यात लेखिका, हमारे दौर की उन कालजयी रचनाकारों में शुमार मन्नू भंडारी जी को याद करने के लिए हम बैठे हैं, जिनकी स्मृति हर व्यक्ति के लिए, हर शख्सियत के लिए अलग अलग है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार सूर्यवाला जी, मैत्रेयी पुष्पा जी, सुधा अरोड़ा जी, सुमन केसरी जी। ये सभी लोग किसी न किसी रूप में मन्नू भंडारी जी से जुड़े रहे। सबका अलग अलग अनुभव है, सबको लेकर अलग अलग लोगों के विचार हैं। सुधा जी उनसे रोजमर्रा की बातचीत में जुड़ी रही, सूर्यवाला जी मुंबई में थी तो बहुत समय तक फिल्मों से लेके बहुत सारी चीजों के लिए उनका लगाव था, सुमन केसरी जी उनकी कहानियों रचनाओं से बहुत समय तक जुड़ी रही, पढ़ती भी रही, और मैत्रेयी जी को लेकर बहुत सारी बातें हैं जो साहित्य वर्ग में, साहित्यिक हलके में लोग अलग अलग ढंग से रूपायित करते रहे, अलग अलग ढंग से कहते रहे, लेकिन मैंने कम से कम बहुत सारी ऐसी भी तस्वीरें देखी हैं जिसमें मन्नू जी और मैत्रेयी जी एक साथ भी रही हैं। तो अगर उनके प्रति, उनके मन में आपस में किसी तरह का कोई अलग भाव नहीं था, तो साहित्यिक समाज को अलग अलग दृष्टियों से या अपनी दृष्टियों से किसी भी के भी संबंधों को व्याख्यायित नहीं करना चाहिए। तो मैं शुरुआत सबसे पहले मैत्रेयी जी से ही करूंगा, क्योंकि अभी हमारी एक वरिष्ठ रचनाकार जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने की स्वीकृति दी थी और हमारी बड़ी सम्मानित हैं, आप सभी की भी सम्मानित है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने इस कार्यक्रम में स्वीकृति दी थी, फिर भी उन्होंने मना कर दिया कि मैं मैत्रेयी जी के साथ मंच इसलिए नहीं शेयर करूंगी क्योंकि मैत्रेयी जी मन्नू जी से कहीं ना कहीं उनका लगाव नहीं था, बल्कि एक तरह की प्रतियोगिता की भावना थी। तो मैं सबसे पहले मैत्रेयी जी को कहूंगा, क्योंकि मैत्रेयी जी का याद करना यहाँ पे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मैं इसलिए भी आज सुबह निवेदन करके मैत्रेयी जी को कहा कि वो आए, और उन्होंने मेरे एक फोन पर कहा कि मैं निश्चित रूप से आऊंगी और बोलूंगी। मैं बोलती हूँ। देखिए, जो भी बातें होती रही हैं मुझे भी पता है, लेकिन मैं राजेंद्र यादव से पहले मनु भंडारी से मिली थी, जिन्हें हम मनु दी कहते थे, और वो मैं किसके जरिए गई, जब तक मैंने राजेंद्र यादव को ना देखा था ना पता था कि कोई हंस पत्रिका निकालते हैं या कुछ नहीं, मनु भंडारी के बारे में जरूर मालूम था कि उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। तो चित्रा मुदगल जी, आई नहीं है शायद इसमें तो नाम था, चित्रा जी उनके घर जा रही थी, मनु दी के घर जा रही थी, तो मेरा घर बीच में पड़ता था, तो मेरे घर आई चित्रा जी, कहने लगी मैत्रेयी चल मनु भंडारी को जानती है ना, मैंने कहा कि हाँ मैंने नाम सुना है, मैं कभी मिली नहीं, चल मेरे साथ चल, मुझे किताब देनी है उनको, उनका नया उपन्यास आया था चित्रा जी का, एक जमीन अपनी। तो मैंने कहा अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बहुत उत्साह हुआ और मैं गई। तो मनु जी के घर हम बैठे रहे, चित्रा बात करती रही, मैं बैठी रही, मैं क्या बात करती हूँ, साहित्य में एक दो चार कहानियाँ ही लिखी थी तब तक, तो मैंने कोई बात नहीं की, चुपी बैठी रही मैं डेढ़ घंटे, एक डेढ़ घंटे, और हम चले आए। चित्रा ने मेरा परिचय जरूर दिया था उनको कि ये मैत्रेयी पुष्पाएं कहानी लिखती हैं और इनके पति डॉक्टर हैं, एम्स में हैं, और इनके दामाद भी डॉक्टर हैं, लड़की भी डॉक्टर हैं, कुछ इस तरह से कहा था उनसे। हम लौट आए, दूसरा दिन हो गया, दूसरे दिन एक फोन आया, फोन मेरी बेटी ने उठाया और उन्होंने उसने कहा मुझसे कि मम्मी कोई मनु भंडारी बोल रही है, और वो लड़की तो जानती नहीं थी इतनी बड़ी लेखिका है वो। तो मैंने कहा मनु भंडारी, हाँ मुझे, मैं एकदम चौंकी।
तो वो बोल रही है और फोन ले लो तुम। उसने फोन दिया, फिर मनु दी से बात हुई मेरी, तो मनु दी ने कहा अरे तुम तो चुप ही चाप बैठी रही, कुछ बोली ही नहीं। तो मैंने कहा मैं क्या बोलती, मैंने तो दो चार कहानियां लिखी हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा अब ये जो जुड़ने का बिंदु है मैं वो उस पर आ रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैत्रेयी क्या तुम राजन से मिली हो? मैंने कहा नहीं, मैं राजन यादव को नहीं जानती थी, मैं नहीं जानती मनु जी। तो कहा कि तुमने हंस पत्रिका देखी है? मैंने कहा नहीं वो भी नहीं देखी। तो उन्होंने फिर फोन नंबर दिया मुझे कि ये फोन नंबर लिखो और राजन से बात करो कि तुम कहानियां लिखती हो तो, और हंस में भेजो, उन्होंने मुझसे कहा। तो मैंने फोन नंबर ले लिया और फिर राजन जी से बात की। यहाँ से हमारा जुड़ाव हुआ। फिर ऐसा हुआ राजन जी से तो कम हुआ, वहाँ वो बैठते थे दरियागंज उधर। मन्नू जी का घर हौज खास में था, मेरा किदवई नगर में था, एम्स के पास। तो अक्सर तो वो आ जाती थी और अक्सर तो मैं चली जाती थी, और 2-2.5 घंटे बैठती थी मैं। और वो चाय वाय अच्छा बना, मतलब नाश्ता बनवाती थी और खिलाती भी थी, और वो बात करती रहती थी, अच्छा ये बताओ वो बताओ हैं अपने बारे में बताओ ये सब। तो यहाँ से हमारा ये हुआ है, मतलब परिचय कहिए या जो भी कुछ है। फिर क्या हुआ उसके आगे कि वो मैं कहती थी मनु जी मैं तो जानती नहीं कि गोष्ठी में कैसे जाते हैं कहाँ जाते हैं। तो कहे तुम कभी नहीं जाती? मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाती। और मेरे जो डॉक्टर साहब हैं वो भी कहते हैं कि नहीं जाना नहीं है। तो कहती है मैं आऊंगी तो फिर डॉक्टर साहब नहीं मना करेंगे। तो वो आती थी मुझे लिवाने और अपने साथ गाड़ी में ले जाती थी, और फिर कहती थी चलो तुम्हें छोड़ के आऊँ डॉक्टर साहब के घर, और मुझे छोड़ के जाती थी। यहाँ से हमारा हुआ काफी घनिष्ठ ताल्लुक हुआ है। ऐसा कुछ नहीं था जो लोग दुनिया भर की बातें बनाते हैं, तो ऐसा तो नहीं था कुछ भी, है ना। तो अब यहाँ से चला फिर आगे बढ़े। मेरे ख्याल में मैं ज्यादा समय बोल रही हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा अच्छा। तो फिर मैंने कहानियां लिखी, फिर मैंने उपन्यास लिख दिया एक इदन्नमम। तो मनु जी उस समय उज्जैन में थी, उज्जैन में थी, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि मैं तुम्हारी पीठ थपथपाने का मन कर रहा है, तुमने इतना अच्छा लिखा है, ये चिट्ठी लिखी, 2 शायद चिट्ठी लिखी मुझे वहाँ से ही, और मैं आऊँगी तो तुम घर जरूर आना। तो फिर वो आई उज्जैन से और मैं घर भी गई और जाती रही। ऐसा तो वो जो जब जब वो फ्री होती थी या जो मैं फोन करके बोलती थी कि क्या मैं आ जाऊं, वो भी मेरे घर आती थी, बिल्कुल आती थी। और ऐसा भी हुआ है मनु जी पूरे दिन भी मेरे घर रही हैं, पूरे पूरे दिन। निर्मला जी भी पूरे पूरे दिन, मनु जी भी पूरे पूरे दिन रही हैं। ऐसा वो वक्त था। तो और जी शादी मैंने शादी शादी एक लास्ट वाक्य कहती हूँ, शादियां हुई लड़कियों की उन्हीं के सामने, तो शादी में आई, गीत हुए, गीतों में आई, सब कुछ हुआ। तो ये था यहाँ से शुरुआत। दरअसल ये अवसर जो है वह मन्नू जी के लेखन कर्म को याद करने के अलावा जो साहित्य जगत में हम बहुत सारी चीजों को या तो हम लेखे से कोई कथाकार लिखता है तो हम समझते हैं कि यह उसके अपने जीवन की बातें हैं, जबकि हम बहुत सारी चीजों में कल्पना का सहारा भी लेते हैं। मैं सूर्यवाला जी की जब किताबों को पढ़ता हूं तो कई बार लगता है कि ये अपने जीवन की अपने अपनी ही बात लिख रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार हम बहुत सारी चीजों को में कल्पनाओं को भी शामिल करते हैं। अभी मैं चित्रा मुद्गल जी रास्ते में हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो किसी भी समय जरूर शामिल होंगी, आएंगी तो, और सरिता सिंह भी शामिल होंगी। ममता कालिया जी ने जरूर मना कर दिया मुझे, और उन्होंने जो बात कही वो बात मैंने उसी बात से इस कार्यक्रम की शुरुआत इसलिए की क्योंकि मेरे लिए किसी भी व्यक्ति के जाने के बाद हिंदू धर्म या हम सनातन मान्यता की जो बात करते हैं उसमें किसी व्यक्ति के न होने पर किसी भी तरह का राग द्वेष, और खासकर जब हम उसे याद कर रहे होते हैं, तो मैंने
मेरा ये मानना था कि जो हमारे समय के वरिष्ठ लोग हैं और जिनके साथ उनका संबंध था, वे लोग उनको उस रूप में याद करें। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं किसी भी तरह का विवाद यहाँ चाहता था, लेकिन ममता जी नाराज हुई, मेरी वरिष्ठ हैं, कोई नहीं, उनका हर तरह से सम्मान है। मैं सूर्यबाला जी, आप जरा बताएं, फिर मैं सुधा जी के पास आऊंगा और फिर सुमन जी के पास आऊंगा, क्योंकि सभी के अलग अलग अनुभव हैं। तो मैं आपसे, आपके विचार, आप मनु भंडारी जी को किस रूप में याद करती हैं, आपकी क्या स्मृतियां हैं, उनके बारे में हमें बताएं हमारे दर्शक। जयप्रकाश जी, मैं आज यहाँ बहुत उदास मन से आई हूँ। मैं सचमुच, जब से मनु जी के विषय में हमने सुना है, हालांकि हम मन से सब एक तरह से जानते थे, जिस तरह वो धीरे 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 समाप्त हो रही है, उनकी समाप्ति बहुत पहले से प्रारंभ हो गई थी, लेकिन ये उनकी जिजीविषा थी है, जो कि भाग्य था या कर्म था, जो भी कहिए, पर हम जब एक बार की ये आघात हमें लगा है तो उससे उबरने में मुझे तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि मैंने सच सच कहूँ तो ये जैसे मैत्रेय जी भी बता रही थी, ऐसी साहित्यिक घनिष्ठता या आना जाना, उठना बैठना, मैं साहित्यिक किसी तरह की भी सक्रियताओं से भी बहुत दूर थी, लेकिन मैंने अपने आप को मनु जी के बहुत पास महसूस किया। क्यों पास महसूस किया? ये भी एक तो मनु जी की रचनाओं की वजह से, जो लोग कहते हैं कि रचनाएँ रचनाकार का दर्पण होती हैं, और आप रचनाओं को पढ़िए और आपको उसमें से रचनाकार साफ होता चला जाएगा। और बाद में बहुत बाद में, आप समझिए अपने लेखन के 15 वर्षों बाद, जब यहाँ उज्जैन में कथा कुंभ था बहुत बड़ा, और उस समय मनु जी उज्जैन के प्रेमचंद पीठ की निदेशिका हुआ करती थी, निदेशक। अच्छा, चूंकि मैं कहीं जाती नहीं थी साहित्यिक समारोहों में, कहीं मेरी शिरकत नहीं, हमेशा मैं अंडरग्राउंड रही, तो इस वजह से कहीं से ज़्यादातर मुझे निमंत्रण आमंत्रण भी नहीं आते थे कि आती नहीं है। प्रेमचंद पीठ से आया और नीचे देखा तो मनु जी का हस्ताक्षर, तो मनु जी के हस्ताक्षर ने जैसे एक जादू की छड़ी का काम किया। और लेकिन हिचक कि अभी तक तो मैं कभी गई नहीं हूँ, तो मैंने क्या किया, 2-3 पंक्तियाँ लिखी, और उस समय मोबाइल वगैरह तो थी नहीं, और मनु जी को भेज दिया कि मनु जी, मैं आज तक किसी बड़ी गहमा गहमी में और इतने बड़े उसमें शामिल नहीं हुई हूँ, लेकिन आप हैं यहाँ तो मेरे मन में बहुत एक तरह का आकर्षण है, लेकिन मैं हिचक रही हूँ और मैं सहमी हुई हूँ, मैं कैसे आऊँ, क्या करूँ, कहीं गई नहीं हूँ अकेले। सोचिए, लिखने के 15-20 वर्षों बाद की बात मैं बता रही हूँ, मनु जी का लॉटरी डाक से पत्र आया, और वो मुझे, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि सभी लेखिकाओं के बीच तुम्हारे लिए मेरे मन में एक बहुत विशेष स्थान है सूर्यबाला, और मैं तुम्हें पूरी तरह आश्वस्त करती हूँ, और तुम अवश्य आओ, तुम्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं होगी, तुम्हारी देखभाल का पूरा जोबान होगा। ये पंक्तियाँ उन्होंने लिखी थी एक ऐसी लेखिका जिससे कभी उनकी एक दो शब्दों की भी जान पहचान या लिखापन कुछ नहीं हुई थी। मैंने उनको कभी प्रशंसा पत्र नहीं लिखा था, मैंने उनकी आपका पंक्ति पढ़ी थी, जब तक आपका पंक्ति अंशु प्रकाशित होती थी, और प्रकाशित क्या बहुत प्रशंसित होती थी, तो नहीं पढ़ी थी। और ये फिर एक बहुत लंबा, एक ऐसी स्मृतियाँ है, शिलालेख से मेरे अंदर खुली है मनु जी की, और मैं बहुत कम साहित्यकारों से जुड़ना भी पसंद करती हूँ, और मिलने के बाद भी जो मैंने पाया है उससे बिल्कुल प्रतिकूल मैंने मनु जी को पाया, ना किसी तरह का काम धाम, ना किसी तरह का लेखक पत्रकार, और आप हर लेखक से विनम्र, थोड़ी हुई विनम्रता रहती है, मनु जी के पास जो कुछ था बिल्कुल आपके सामने था, और जो पहला था, पहला जो इम्प्रेशन वही अंत आते आते और समाप्त हो गया। एक पंक्ति के साथ में अपनी बातें समाप्त करूंगी कि संस्कृत में एक पंक्ति है कि क्षणे क्षणे यन्न मता मुकैति, क्षणे क्षणे यन्न मता मुकैति तदेव रूपम रमणीयता, और देव ने लिखा है, ज्यों ज्यों निहारिये लियरे हुए नयन,
त्यों त्यों खरी निखरें सी लिखाई थी। तो मैंने सारे साहित्यकारों से लगे, एक कहा जाता है, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि बहुत महान लोग बड़े लोगों के जब पास जाइए अक्सर वो बहुत छोटे नजर आते, और तब मन में मिलने वाले के पास जो जाता है बड़े नीचे उसका एक मोह भंग सा हो। मैं नहीं सोचती कि किसी का ऐसा मोह मनु के साथ, क्योंकि जो उनकी सरलता थी, सादगी थी, तो मैं आज तो सिर्फ उनकी इन्हीं मतलब रचनाओं पर तो इतनी बात होती है, और मेरा कोई भी व्याख्यान आपके बंटी के शकुन से बिना तो शुरू होता नहीं है। लेकिन अभी अपनी बात नहीं शुरू करूँगी, कैसे सबसे पहले मैंने मनु जी को देखा और कैसे मैं उनके पास। मैं आप जो कह रही हैं उससे बहुत ही सहमत हूं, क्योंकि आपका बंटी में एक पंक्ति है जिसको मैं बार बार जब भी मनु जी के बारे में, मैंने अभी उनके जन्मदिन पर एक लेख लिखा था, उनके न रहने पे एक श्रद्धांजलि लेख लिखा था, हर लेख में मैं इस बात को लिखता हूं। वो बंटी कहता है कि पूछता है कि वाकई अच्छा होना कितना कठिन है। वो जब उसको उसकी माँ के लिए माँ अलग कहती है, पिता अलग कहता है, स्कूल में बच्चे अलग कहते हैं, तो एक पंक्ति आती है तो वो मन को कहीं ना कहीं छू जाती है। सुधा अरोड़ा जी से मैं पूछूंगा, क्योंकि रोजमर्रा की बातचीत में आपकी बातचीत होती रही है और आप उनके घर भी आती जाती रही हैं। हम यहाँ मनु भंडारी जी के साहित्यिक रूप से अलग बतौर शख्सियत वो क्या थी, इसके बारे में अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं, क्योंकि जिसने भी उनको पढ़ा है या रजनीगंधा फिल्म देखी है या उनके महाभोज को, यही सच है, जितनी भी रचनाएं रही हैं, आपका बंटी तो है ही है, जिसने भी पढ़ा है वो सब लोग जानते हैं, लेकिन बतौर मनुष्य उनके अंदर जो था वह क्या था, उसके बारे में जरा बताएं। जी धन्यवाद जयप्रकाश जी। मन्नू जी ने बहुत लंबी उम्र पाई, जी, पर पिछले 4-5 वर्षों से वो काफी निष्क्रिय थी, कुछ लिख नहीं पा रही थी, इसकी उनको बहुत तकलीफ थी, और 2 साल पहले तक मेरा उनसे मिलना होता रहा था हर साल। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, मैं शायद एक लेखिका के तौर पे कम और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनसे ज़्यादा जुड़ी, क्योंकि मुझे, मैंने जब उनको देखा बहुत करीब से तो मुझे लगा कि मैं बाहर जो काम करती हूँ औरतों के साथ काउंसलिंग का, और हमारे अपने साहित्यिक जगत में एक इतनी बड़ी लेखिका इस कदर डिप्रेशन में जा रही है, तो मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं उनको बाहर निकालने के लिए कुछ करूँ। और तब से मेरा उनसे एक तरह से ऐसा रिश्ता हो गया कि मुझे लगता था कि उनको इस अवसाद में से बाहर निकालना है, और वो जो अपने अंदर जो द्वंद्व, जो एक तरह की दुविधा से गुजर रही थी, जो वो सारी जिंदगी गुजरती रही, और उसमें ये था कि एक और तो वो बहुत बड़ी बगावती थी, बहुत बागी थी, बहुत मतलब उस पीढ़ी की औरतें जिस तरह की हुआ करती थी वैसी वो नहीं थी, लेकिन कुछ समाज के, अपने परिवेश के, अपने संस्कारों की वजह से वो हमेशा एक द्वंद्व में से गुजरती थी, और उसमें उनको भौतिक रूप से और सामाजिक रूप से काफ़ी सदमे मिले, हर तरह से मिले। अभी उनके जाने के बाद, हालांकि हमें पता था कि वो कितने दिन अपने शरीर से जूझेंगी, और जब भी वो अस्पताल जाती थी तो हमें लगता था कि पता नहीं कब खबर आ जाए,
हम इनके लिए इसके लिए तैयार भी थे, लेकिन उसके बावजूद जब ये खबर आई तो मुझसे, मैं पूरे दिन अपने को रोक नहीं पाई कि मैं क्या करूं उनके लिए, क्या कहूं, मुझे कुछ कहना था। और जो मैंने पत्र लिखा, जिसकी हालांकि कुछ लोगों ने उसको बहुत हल्के में भी लिया और मजाक भी बनाया, दरअसल वो मैंने चिट्ठी उनके नाम लिखी थी, वो और किसी के लिए नहीं, वो अपने को उस तकलीफ में से निकालने के लिए लिखी थी। जैसे हमारे अपने माँ बाप किसी भी उम्र में जाएं, तो वो हमें ये नहीं हम देखते कि वो 90 पार हो गए या 95 के हो गए। मेरे अपने पिताजी तो 98 के साल में गए थे, पर उनके जाने का जो धक्का लगा था मुझे, मैं महीनों उससे उबर नहीं पाई। तो इस वजह से मैंने वो पत्र लिखा था, क्योंकि मन्नू जी की सारी तकलीफें एकदम घनी होकर मेरे सामने आ गई थी कि कैसे वो एक महिला इतनी बड़ी लेखिका होने के बावजूद कितना उसने संघर्ष किया। और जयप्रकाश जी, आपने जो शुरू में एक बात कही कि एक वरिष्ठ लेखिका ने आने से मना कर दिया कि जिस मंच से मैत्रेयी बोल रही हैं उस मंच से वो नहीं बोलना चाहेंगी, तो मैं आपको सच बताऊं कि मैं इसी वजह से इस मंच पर आई। मेरे आने की वजह यही थी कि मैं देखना चाहती थी कि मैत्रेयी जी उनके बारे में क्या बोलती हैं। और मुझे ये बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि उन्होंने शुरुआत ही अपनी लंबी कहानी से की, जो हम कई बार सुन चुके हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, सबके सामने कहना चाहती हूँ कि मन्नू जी का साहित्य से तो कभी मोह भंग नहीं हुआ, लेकिन साहित्यकारों से उनका मोह भंग बहुत अरसे से हो चुका था। और साहित्यकार से हम थोड़ी सी संवेदनशीलता की तो उम्मीद करते हैं ना, क्योंकि आखिर तो साहित्य संवेदनशील होता है, संवेदना से ही तो पैदा होता है ना। तो हम अपने जो हमारे फेलो, जो हमारे पास के जो मित्र हैं, उनसे हम कुछ संवेदना की उम्मीद तो करते हैं ना। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मन्नू जी को सबसे ज़्यादा आहत, सबसे ज़्यादा तकलीफ मैत्रेयी जी की बातों से। देखिए, हर व्यक्ति के अपने सकारात्मक नकारात्मक पक्ष होते हैं इसमें कोई, और हम उसे अपने नज़रिए से देखते हैं। ज़रूर मैत्रेयी जी ने उसको अपने नज़रिए से देखा, लेकिन जब हम ये जानते हैं कि एक व्यक्ति इतना बीमार भी चल रहा है और उसने जो जद्दोजहद की है उसको आप सिर्फ एक एंगल से देख रहे हैं, तो आप अपने तई जो भी सोच के, पर आपको लिखित रूप में उन चीज़ों को सार्वजनिक करने का कोई मनुष्यता के तौर पर हक नहीं होता। ये मैं फिर एक बार कहूँगी कि जो किताब मैत्रेयी जी ने लिखी राजन जी के बारे में, वो सफ़र था कि मुकाम था। मैंने वो किताब नहीं पढ़ी, मेरी हिम्मत नहीं हुई पढ़ने की। मुझे 4-5 PhD स्टूडेंट्स ने उस किताब में से अंश छांट छांट के भेजे कि आप इसे पढ़िए, और उसमें से कुछ बातें मन्नू जी तक भी पहुंची थी। तो वो उस तरह की असंवेदनशीलता हम किसी भी साहित्यकार से उम्मीद नहीं रखते हैं। एक तकाजा होता है, मनुष्यता का तकाजा होता है, जिस बात के लिए ममता जी ने यहाँ आने से मना कर दिया, मैं वही बात बोलने के लिए यहाँ पर इसी वजह से आई हूँ कि मैत्रेयी जी यहाँ हैं और वो एक बार फिर पढ़ें अपनी किताब को, वो सफ़र था कि मुकाम था। उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि एक मिनट, कि मन्नू जी राजेंद्र जी से अस्पताल में मिलने इसलिए जाती थी कि वो दिखाना चाहती थी कि वो उनके साथ है। वो किस जद्दोजहद से गुजर रही थी, उसका एक जरा सा तिल भर भी अंदेशा नहीं था उनको। मैंने जो ये किताब लिखने का फैसला किया है मन्नू जी के जीवन के बारे में, वो सिर्फ और सिर्फ जो मुझे अंश मिले हैं। मैं बीच में बोलना नहीं चाहती, इसलिए तुम कहो जो कहना है। मैं एक ही लाइन करके फिर आपको बोलती हूँ, आप कहिए अपनी बात। तो मैंने सिर्फ इसीलिए फैसला किया कि इस किताब की, बहुत पहले से मुझे कई लोगों ने कहा कि इसका आप जवाब दीजिए, मैंने कहा नहीं, जवाब देने का मतलब ये होगा कि बात खुलकर आएगी, मन्नू जी अभी हैं उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए बातें,
और उस किताब को बेवजह तवज्जो मिलेगी, क्योंकि कई लोगों के लिए बहुत बदनाम होना भी नाम होने का एक जरिया होता है। सुधा जी, मैं आपकी बात समझ गया, और मैत्रेयी जी को निश्चित रूप से मैं अभी कहूंगा, चूंकि उनके बारे में उनके उपस्थिति में ये बात कही गई है, तो वो इस बात पर अपना पक्ष जरूर रखेंगे। लेकिन अभी मैं पहले अभी सुमन केसरी जी और डॉक्टर सविता सिंह जी हैं, ये लोग आपके बाद की पीढ़ी के लोग हैं, आपके साथ के नहीं हैं, आपके समवय के नहीं हैं। इन लोगों ने आपके बाद लिखना और पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि वह उनकी छोटी रही है और बहुत सारी चीज़ों पे उनके अपने भी संदर्भ और अपनी समझ होगी। तो सुमन जी, आप अनम्यूट अगर अपने को करके बताएं तो हम आपकी भी राय जानना चाहेंगे। आप किस तरह से मनु जी को याद कर रही हैं? यह आयोजन मनु भंडारी के लेखकी कर्म के साथ साथ उनके अपने जीवन को समझने के लिए है, और उनको आपने जैसा देखा। बहुत बहुत आभार आपका जयप्रकाश जी कि आपने मनु जी को याद करने के लिए मुझे बुलाया। दरअसल मैं मनु जी को एक लेवल पर कहूँ तो व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल भी नहीं जानती। मेरी उनसे दो मुलाकातें हुई, एक तो मुलाकात मुझे सुधा दीदी ने ही आई हुई थी दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि मैं मनु जी के यहाँ रुकी हुई हूँ, तुम आ जाओ मिलने। तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर था कि जिस लेखिका को मैं पढ़ती रही हूँ उनके पास जाकर उनके घर में उनसे मिलूंगी। और जब मैं उनसे मिली उसके बाद मैंने एक बड़ा सा लंबा सा फेसबुक पोस्ट भी लिखा था, जिसमें कि मैंने याद किया था अपने उन दिनों को जब मैंने मनु भंडारी को पहले पहल उनका नाम सुना था और जाना था। लगभग मेरी आयु 16 वर्ष थी और मैं लेडी श्राम कॉलेज में BA पार्ट 1 की स्टूडेंट थी, हिंदी ऑनर्स में कर रही थी। और उसी समय उनका मतलब उनके बारे में मतलब बात क्लास में जैसे कि होती है, टीचर्स बात करते हैं, स्टूडेंट्स बात करते हैं, और कुछ समय बाद उनका आपका बंटी आया। और आपका बंटी जब आया तो क्लास में गहमा गहमी रही उन लड़कियों ने जिन्होंने पढ़ लिया था उस नॉवल को, मैंने नहीं पढ़ा था तब तक। तो मुझसे, चूँकि मैं क्लास की बहुत बेहतरीन स्टूडेंट थी, वन ऑफ द बेस्ट, तो मुझसे पूछा गया तुमने पढ़ लिया? मैंने कह दिया ईमानदारी से कि मैंने तो नहीं पढ़ा। तो आश्चर्य, दुख, आक्रोश सब व्यक्त किया गया और तुरंत मुझे किताब पकड़ाई गई कि पढ़ो, तुमने अभी तक ये नॉवल नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा जीवन में। तो मैंने आपका बंटी से मनु भंडारी को जाना, और मैं आज तक 16 साल की उम्र में पढ़ी हुई इस किताब का एक दृश्य कभी भी नहीं भूल पाती, जबकि बंटी एक बहुत ही मतलब अंधेरा है कमरे में और वो बाहर से झांकता है अपने नए पिता और अपनी माँ। मैं इस दृश्य को कभी भी भूल नहीं पाई, क्योंकि इस दृश्य को लेकर के बातें भी बड़ी हुई थी क्लास में। और दूसरी बात यह, उस दृश्य को जिस तरह से लिखा गया था उसने मुझे, हो सकता है कि किसी के चित्त में उत्तेजना या कुछ पैदा की हो, मेरे चित्त में उसने गहरा अवसाद छोड़ा। मैं गहरे अवसाद से ग्रस्त हो गई थी, और उसके बाद ज्यों ज्यों मैं मनु भंडारी को पढ़ती गई, मुझे लगा ये जो लेखिका है, और मैं उनको लेखिका के तौर पर ही जानती हूँ, मैं मेरा उनसे दो तीन बारी, जैसे कि मैंने कहा मैं दो तीन बारी मिली हूँ। और मतलब जब सुधा दीदी ने मेरा परिचय कराया तो मुझे ये जानकर के बहुत खुशी हुई थी कि उन्होंने कहा था कि मैं सुमन केसरी को जानती हूँ। तो जैसे कि आपको एक पुरस्कार मिला हो कि जिस लेखिका के सामने आप पहली बार खड़े हों वो बोले कि सुमन केसरी को जानती हूँ, और सुमन केसरी की कविताएँ पढ़ी हैं और लेख पढ़े हैं, और राजेंद्र सुमन केसरी का नाम लेते रहते हैं, क्योंकि मैं राजेंद्र जी से पहले मिली थी और कई बार ही मिली थी मैं राजेंद्र जी से, मैं हंस में लिखा भी करती हूँ। तो मैं मनु भंडारी को मुख्यतः एक लेखक के तौर पर जानती हूँ, और यही महत्व है। आज हम मनु भंडारी पर बात कर रहे हैं तो हम व्यक्ति मनु भंडारी के चलते नहीं बात कर रहे, हम वो एक बड़ी लेखिका थी, इसलिए हम बैठ करके उनके जाने का मतलब हमें शोक मना रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और एक तरह से रिविजिट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या दिया समाज को, साहित्यिक समाज को क्या दिया, साहित्य को क्या दिया।
हम रिविजिट कर रहे हैं। और ये जो रिविजिट कर रहे हैं, ये मैं कहूंगी कि उनका जो लेखन है, जिस मैं एक और घटना सुनाऊंगी, ये मैंने पहली बार में पूछ लिया था मनु जी से, जब मैं पहली बार उनसे मिली, सुधा दीदी के सामने ये बात पूछ ली थी। उनकी एक कहानी थी जिसका नाम था मजबूरी, एक कहानी है मजबूरी नाम है उसका, और ये कहानी स्कूल में लगी हुई थी। मेरी बेटी ने उस कहानी को पढ़ा और बहुत बेहद दुखी होकर के वो अम्मा के साथ, दादी अम्मा के साथ इतना उसने इतना रिलेट किया उस बच्ची ने, और कहा कि वो बच्चा चला गया, अगर तुम कभी मनु नानी से मिलो ना, नेचुरली उसने नानी कहा, क्योंकि हमारे घर में वो नामवर जी को बाबा कहते थे, केदार जी को बाबा, मैनेजर पांडे को बाबा, तो मनु नानी को मिलो तो तुम ना, दादी ने कहा उसने, जबकि वो राजेंद्र यादव से पहले मिल चुकी थी, समाओ उसने मेरे साथ उनको जोड़ दिया और कहा कि मनु नानी से कभी भी मिलो ना तो पूछना कि वो मतलब दादी का फिर क्या हुआ। तो मैंने पहली बारी में मनु नानी से पूछ लिया उसकी कि आपने जो मजबूरी कहानी लिखी उसमें क्या हुआ उस बच्चे का। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे मेरे घर के पास, घर की ही लगभग घटना है सुमन, और वो बच्चा गया नहीं था, उस दादी को छोड़ के गया नहीं, दादी के पास ही रहा, वहीं पढ़ा लिखा। तो मैंने जब आकर के, और ये कई साल बाद की बात है, वो कॉलेज में पढ़ती थी, स्कूल में इसने कहानी पढ़ी थी, कॉलेज में पढ़ती थी तब, और मैंने जब आकर के उसे बताया कि रतंबरा मनु नानी ने मुझे बताया कि वो तो बच्चा तो गया नहीं, दादी को छोड़ करके वो बच्चा वहीं रहा उस समय तक, और उसकी रिलीफ जो थी बच्चे के मन में, जो मतलब एकदम जो शांति हुई, मैं उसका बयान नहीं कर सकती। तो एक बच्चे को भी किस तरह से वो अपनी कहानी से जोड़ रही हैं, और किस तरह से वो जब कहानी के किसी पात्र का गठन करती हैं, चरित्र का गठन करती हैं, तो वो चरित्र को कितने मतलब बारीकी से, ईमानदारी से, और उस जैसे कि उसको जी रही हूँ। ये नहीं कि आप उसमें प्रवेश कर गए, क्योंकि आप तब लिख नहीं सकते, आप अलग ही लेखक अलग होकर के लिखता है। ये बात मैंने बार बार नोट की, और ख़ास तौर से उनकी जो वो कहानी है जिसमें कि वो अकेली कहानी में आप तुरंत पहुंच जाते हैं 50 के दशक के आसपास, और फिर उस कहानी को पढ़ते हुए लगता है कि आज क्या वो अकेली, क्या उसी तरह से अकेली होगी, या अकेलेपन के कितने रूप हैं। मनु जी उन कहानियों के साथ हमें अपने वर्तमान में ले आती हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत। और यही खासियत मुझे, यही सच में जब मैंने पढ़ी तो मुझे निशीथ को लेकर के बहुत दुख सा हो रहा था कि निशीथ मन में, और कहानी ही नहीं पढ़ी थी हम लोगों ने, यही सच है, बल्कि हम लोगों ने जाकर के सब पूरी क्लास ने जाकर के एक साथ फिल्म भी देखे थे, मतलब रजनीगंधा, हम सब पूरी क्लास गई थी और बंक करके गई थी, टीचर से अगले दिन डांट खाया था, लेकिन हम सारी क्लास बंक करके रजनीगंधा देखने गए थे। निशीथ को लेकर के दुख, लेकिन मैं लगातार इस पर मैंने निरंतर सोच करके मैंने पाया कि निर्णय, एक स्त्री जब निर्णय लेती है तो उस आधार पर, वायव्य आधार पर, आदर्शों पर उस तरह से निर्णय नहीं लेती, एंड वो एक बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से कहानी, उनकी कहानियों में जो मैं देखती हूँ निरंतर जो एक प्रवाह है और निरंतर विकास है, वो बहुत महत्वपूर्ण। आप उनका जो कलेवर है वो भी बहुत बड़ा है, आप कहीं अकेली देखिए, मजबूरी देखिए, यही सच है देखिए के बाद आपका बंटी, और फिर अगर महाभोज देखें तो जो कलेवर है उनका वो बहुत बड़ा है। और एक बहुत बड़ी, जिसको हम कहेंगे बहुत बड़ी लेखिका, मुझे बहुत अफसोस इस बात का होता है कि जितनी उनमें संभावना थी, वो संभावना उस हिसाब से वो बहुत आगे और आगे बहुत आगे काम कर सकती थी, वो नहीं कर पाई, मुझे इस बात का अफसोस है। तो मनु जी मेरे लिए एक लेखिका है, मेरी अग्रजा है, मेरे बड़ी पीढ़ी की हैं, करीब 30 साल हमसे बड़ी, ऑलमोस्ट 30 साल हमसे बड़ी, लेकिन उन्होंने हमें बताया, उनकी कहानियों ने हमें बताया। आज ही मैं पढ़ रही थी उनकी कहानी, उस कहानी का नाम है नई नौकरी। आज ही जब कहानी को मैं पढ़ करके, एक और कहानी पढ़ करके ही आज मैं बातचीत करने आऊँगी, पहले भी पढ़ी हुई थी ये कहानी, लेकिन आज मैंने नए सिरे से इस कहानी, और नए सिरे से मैंने पढ़ा तो नई नौकरी, दोनों के लिए नई नौकरी थी, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी। स्त्री अपनी नौकरी छोड़ के नई नौकरी पर लगी थी, जिसमें उसने अपनी सारी संभावनाएं खत्म कर दी थी,
और पुरुष नई नौकरी की पूरी पूरी संभावना और स्त्रियों की स्त्री की संभावना को भी लेकर के आया था नई नौकरी में। पुरुष अपने को अलग ढंग से रियलाइज कर रहा था और स्त्री अपना व्यक्तित्व खो रही। बहुत जी, आपने एकदम अलग बिंदु पे मनु भंडारी जी को याद किया। सविता सिंह जी बहुत सबसे आखिर में हमारे साथ जुड़ी हैं अभी। मैं पता नहीं वो हमारी चर्चा को सुन पाई थी कि नहीं। मैं ये कार्यक्रम एक अलग तरह से शुरू हुआ जो कि श्रद्धांजलि के तौर पर था और मैं इस रूप में इसकी कल्पना नहीं किया था। मेरा यह था कि मनु भंडारी जी को उनके साथ के रहने वाले लोगों और उनके समकालीन लोगों के साथ साथ उनके बाद की जो तुरंत बाद की पीढ़ी है वो भी याद करें और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसीलिए मैंने ममता कालिया जी, मैत्रेयी पुष्पा जी, सूर्यबाला जी और सुधा अरोड़ा जी के साथ आप दोनों लोगों को, सुमन केसरी जी और सविता जी को अनुरोध किया था। ममता जी ने शुरुआत इस बात से वो नाराज हुई कि मैत्रेयी जी के साथ वह मंच शेयर नहीं करेंगी क्योंकि कहीं ना कहीं से मैत्रेयी जी के व्यवहार से वो आहत हुई और मनु जी के जीवन का दुख मैत्रेयी जी के चलते था। सुधा जी ने भी अपनी बात में कहीं ना कहीं इस बात को कहा कि ऐसा कुछ था। मैं उस पर, चूंकि मैत्रेयी जी को इस पर जवाब देना है वो बाद में देंगी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप मनु भंडारी जी को किस रूप में आज की तारीख में याद कर रहे हो और श्रद्धांजलि दे रहे हो। सविता जी आपको बोलो। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप सुन पा रही हैं? जी जी, नमस्कार और जय प्रकाश को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का इन्होंने आयोजन किया। कल ही मैंने एक पोस्ट मनु जी पर लिखा है और यहाँ पर सभी लोगों से मेरा परिचय है, सुधा जी और सुमन केसरी, सूर्य बाला जी से कम परिचय है लेकिन एक गोष्ठी में हम लोग साथ थे। और मैत्रेय जी को मैं उनके चाक के लिए बहुत याद करती हूँ। उनको मैं एक बड़ी लेखिका मानती हूँ। यहाँ पर मनुज को कैसे याद किया जाए, ये एक पद्धति का भी मसला हो सकता है। जो लोग मनु जी के करीब थे, उनसे उनके पर्सनल जीवन, एक व्यक्तिगत जीवन से जो लोग जुड़े थे, उन लोगों के लिए उनका सदमा, उनका अपना सदमा भी लगता होगा, जैसा कि सुधा जी को मैंने सुना। और अब जबकि एक स्त्रीवादी चिंतन की शैली डेवलप कर गई, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं लगातार उस पर काम कर रही हूँ कि कैसे स्त्रियों की कविताओं को पढ़ा जाए, उनके फिक्शन को पढ़ा जाए। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जीवन में उनके दुख आए होंगे इस वजह से, लेकिन उसका प्रथम दोषी खुद राजेंद्र जी थे, पहली बात। दूसरी बात कि मनु जी ने कभी लिखना बंद नहीं किया, जिसके लिए मैं उनको सलाम करती हूँ। तीसरी बात कि उन्होंने उम्दा लिखना कभी कम नहीं किया। मैं नहीं समझती कि मनु जी की बाद की राइटिंग्स में कहीं कोई कमी आई, बल्कि वो जो स्त्रियोचित दुख था वो बहुत ही गाढ़ा होकर और दार्शनिक स्तर पर चला गया था। मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से कृष्ण सोपती पर काम किया। मैं इनफैक्ट पेरिस में मुझे पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप मिली उन पर काम करने के लिए। मैं गई काम करने और मैं लगातार, यू वोंट बिलीव, आज मैं कह रही हूँ कि उन पर काम करते हुए मैं मनु जी के बारे में सोचती हूँ। तो ये दो बड़ी इम्पॉर्टेंट हमारी मॉडर्निस्ट वेमेन राइटर्स हैं, मैं उनको इस तरह से याद करना चाहती हूँ। किसी भी लेखक का जीवन बहुत सीधा सरल नहीं होता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनके संघर्ष, क्योंकि लिखना ही एक संघर्ष है, लेखन करना ही एक ऐसा आत्म के साथ संघर्ष है जिसमें जूझना ही पड़ता है सबको। बाहर से कोई कितना भी दिखे, चिंता मुक्त दिखे या हंसता खेलता दिखे, लेकिन जो लेखन है वो मनुष्य के उस अवचेतन से वो चीज की जाती है जहाँ पर उसको जो सामूहिक दुख होते हैं वो वहां पर होता है। इसलिए कभी लेखक या लेखिका अपने लिए नहीं लिखती,
आत्मकथा का जहाँ तक मामला है, मैं उस पर भी अभी थोड़ा पढ़ लिख रही हूँ। आत्मकथा भी कभी भी सिर्फ आत्म के बारे में नहीं होती, यानी उसके अपने व्यक्तिगत के बारे में। आज सुबह मैंने गरिमा का एक एक छोटा लेख पढ़ा समालोचन पे, जो उनके आत्म उनकी आत्मकथा पर जिस तरह से जो है उस पर उसने लिखा है, टिप्पणी की है। तो मैं ये भी बताऊं कि जो लेखक है वो कभी भी एक सिर्फ व्यक्ति नहीं है, और उसके अपने दुख उतने बड़े नहीं होते जितने कि समाज में जो व्याप्त दुख है स्त्री को लेकर, अगर वो स्त्रीवादी लेखन है, वो है, वो गहरा है। तो एक स्तर पर मैं ये कह सकती हूँ कि जो स्त्रीवादी लेखन है या लेखिकाएं हैं, उनके जीवन में स्त्री से ज़्यादा पुरुष दुख देने वाले होते हैं, इसको बहुत ठीक से समझना चाहिए। दूसरी चीज़, उनकी जो अपनी राइटिंग है, क्योंकि ये पितृसत्तात्मक समाज है, इसमें जो पुरुष है वो दुख देने की, हमेशा उस दुख देने की स्थिति में रहता है, दुख पाने की स्थिति में कम रहता है, उसके पास बहुत सारी सहूलियतें हैं जिससे वो अपने को, जैसे कि दूसरी स्त्री से ही प्रेम संबंध शुरू कर देना, तीसरी स्त्री से कर देना, वो अपना ऐसे खेलता रहता है, उसका ये फील्ड है। स्त्री का ये फील्ड नहीं है, ये दी हुई जगह है जिसमें वो किसी तरह से जीती है, मेरा अपना ऐसा मानना है। यहाँ तक मनु जी के काम का, उनके उनकी राइटिंग का जो विश्लेषण होना चाहिए, जिस तरह से नहीं हुआ, जैसे कि कृष्णा सोपती का बहुत हुआ, और उसका कारण भी एक है, क्योंकि जिस समय में कृष्णा सोपती का विश्लेषण गहराया है, ये वो समय है जब स्त्रियां खुद बहुत सशक्त ढंग से लिखने लगी हैं और उनमें अपनी आगे की संभावनाएं देखने लगी। मनु जी के यहाँ एक ऐसे मध्यवर्गीय जीवन की कहानियां हैं, या वो स्थल है जहाँ से वो लिखती हैं, वो बहुत जटिल है, वो करना आसान नहीं है। उनकी कहानी जैसे रजनीगंधा के बारे में, उसी के बारे में अगर मैं टिप्पणी करूँ, आपका बंटी तो बाद में आता है, तो बाद में उस पर चर्चा अगर समय मिलेगा तो करूँगी, लेकिन आप तो ये जो रजनीगंधा जिस पर फिल्म मिली बनी, उस कहानी को लीजिए, तो उसमें क्या दिखाता है, उसमें क्या दिखाया जाता है कि एक स्त्री है जो निर्णय नहीं ले पा रही, वो अनिर्णय की स्थिति में। और इसको भी दो तरह से देख सकते हैं, जैसे हम आज कह सकते हैं, आज बहुत हाल ही में मैंने एक लेख भी लिखा है कि 21वीं सदी में लिख रही जो कवित्रियां हैं उनके बारे में लिखा, तो इंदु सिंह का एक कविता है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं परिंदे के लिए लिख रही थी, तो जिसमें वो अपने इंतजार के बारे में लिखती है, किस तरह से उसका इंतजार बढ़ता जाता है, और वो जो पुरुष जिससे वो प्रेम करती है उसे, वो हमेशा कल को परसों में बदलता जाता है। और ये जो उदासी है इंतजार की, कि हम बोल नहीं सकते पुरुषों की तरह, हम अपना प्रेम जाहिर नहीं कर सकते, समाज में उसके लिए अभी उस अभिव्यक्ति के लिए अभी स्वीकृति नहीं है, तो अंदर ही अंदर आप जल रहे हैं। उसके बाद मैंने अनुपम सिंह की कुछ एक कविता मैंने कोट की है, जिसमें वो आमंत्रण देती है अपने प्रियतम को कि तुम अगर मुझसे प्रेम करते हो तो थोड़ा खुल करके आओ, मेरी ये सब शर्तें हैं प्रेम करने की, उन शर्तों को क्या तुम पूरा कर सकोगे, एकदम उल्टा हुआ है मामला यहाँ। तो वो जो रजनीगंधा की नायिका है जो अनिर्णय की स्थिति में है, वो उस संदर्भ में, समय के उस संदर्भ में, मध्य वर्ग जो प्री ग्लोबल इकोनॉमी का जो समाज था हमारा, उस समय का जो मध्य वर्ग था, उस मध्य वर्ग की स्त्री है। आज मध्य वर्ग की जो लड़कियां हैं जो कॉर्पोरेट जगत में काम करती हैं, जो कारोबार करती हैं, जो हर तरह से वो सारे काम करती हैं जो कभी पुरुष किया करते थे, तो उनमें निर्णय लेने की ऐसी जद्दोजहद अब नहीं, वो बहुत फास्ट निर्णय लेती हैं और वो आगे चलती जाती हैं और वो आगे चलती जाएंगी। तो यहाँ पर अवसाद से कम एक बौद्धिक समर्थता का जो बोध होता है, उस पर मैं लगातार सोचती रही, और मुझे लगा कि मनु जी उस समय की स्त्री की चेतना पर लिख रही थी, और अगर उस समय की स्त्री की चेतना को समझना हो तो ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि मनु जी को कभी आप अकेले करके मत देखिए, वो एक पूरे लेखक समूह का हिस्सा थी, और उस वक्त उत्कृष्ट किस्म की साहित्यिक रचना की जा रही थी, मोहन राकेश, मनु भंडारी, राजेंद्र यादव, ये तमाम लोग उस वक्त लिख रहे थे, और मॉडर्निज्म का, इंडियन फिक्शन का, मॉडर्निज्म का वो दौर था,
जिसमें व्यक्ति की पहचान की जा रही थी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। इसी पहचान की वजह से तो आपका बंटी नॉवल उस तरह से निखर करके आया, धर्मवीर भारती उसी वक्त लिख रहे थे। तो वो जो पूरा पीरियड है उसमें मेरा ख्याल है कि मन्नू भंडारी का एक जिसको कहते हैं ना बौद्धिक, बहुत ही बौद्धिक किस्म का उनका दिमाग था, बहुत बौद्धिक किस्म की उनकी राइटिंग थी। उसमें वो प्रश्नों को प्रश्नों के लिए वो प्रश्नों को वो पहले जायज ठहरा रही थी और उसके बाद उसको उत्तर भी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कृष्णा सोपति की तरह उन्होंने डिसीजन नहीं लिया कि इस मध्यवर्गीय जीवन का जो पूरा नक्शा है उसको बदलना चाहिए। मित्रों मरजानी जैसी, मित्रों जैसी कैरेक्टर उनके यहाँ नहीं है ना, इससे बहुत फर्क पड़ा। एक रिबेलियसनेस जो चाहिए इस सिस्टम को नकारने की, जो आध्यात्मिक बौद्धिक जो साहस चाहिए वो इनके पात्रों में नहीं है। लेकिन महाभोज लिखकर उन्होंने सभी को चौंका दिया। उनकी पॉलिटिकल समझ कितनी विकसित हो चुकी थी, कितनी अच्छी समझ थी वो। तो मनु जी के बारे में यही कह सकते हैं कि मनु जी का विश्लेषण अब होगा, मैं भी करूंगी, बहुत सारे लोग करेंगे, सुधा जी कर ही रही हैं। तो मनु जी की एक री रीडिंग होनी है। मैं इतना ही कह सकती हूँ अंत में कि वो किसी से कम नहीं थी, वो अपने आप में विलक्षण थी और बहुत अच्छी और महीन बौद्धिक समझ थी अपने जीवन और आसपास के जीवन के बारे में। और उनका लेखन इतना निखरा हुआ था, इतना लोगों के करीब पहुंच जाता था कि यही कहा जा सकता है कि मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि काश मैं मनु जी से जाकर के मिली होती। मैं अपनी श्रद्धांजलि इस अर्थ में भी और दुख के साथ दे रही हूँ कि मैं उनसे कभी नहीं मिली, इसका हमेशा दुख रहेगा। मैं अपनी बात बताऊं कि मैं पिछले दिनों बातें मुलाकातें एक कार्यक्रम कर रहा हूं और उसमें अपने समय के वरिष्ठ लोगों से उनके जीवन पर साक्षात्कार को कर रहा हूं। मैं साहित्य आज तक में जब 2019 में एक कार्यक्रम कर रहा था तो मैं चाहता था कि पद्मा सचदेव जी, मनु जी और सोपती जी को भी मैंने पकड़ने की कोशिश जब की साक्षात्कार के लिए, तो उन लोगों की तबीयत उस रूप में खराब थी कि वो हमारे कार्यक्रम में भी नहीं आ पाए और बाद के दिनों में भी लंबी कोशिश के बावजूद मैं उन लोगों को पकड़ नहीं पाया, उनसे बात नहीं कर पाया, जिसका मुझे हमेशा अफसोस रहता है। चूंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत ममता जी सुन रही हैं इसको, ममता कालिया जी, और उन्होंने दो जगह इस बात का उल्लेख किया है कि मैत्रेयी हंस रही हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कल इसी समय एक और कार्यक्रम करूं और ममता कालिया जी को कोशिश करूं कि वो हमारे साथ अपनी बात रखें, क्योंकि सुधा जी उनकी अनुपस्थिति में इस बात को अलग ढंग से रख चुकी हैं और मैंने ये वादा किया था मैत्रेयी जी को कि उनको भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। हालांकि मैत्रेयी जी ने अपने बात की शुरुआत ही इस बात से की कि वे राजेंद्र यादव से मिली ही मनु जी की मार्फत थी और सुधा जी का कहना था कि ये बातें बहुत बार आ चुकी हैं। मैं चाहूंगा कि मैत्रेयी जी चूंकि कथाकार साहित्यकार लेखिका मनु भंडारी जी को याद कर रही थी, फिर भी जो बातें आई हैं उन पर अगर उनको कुछ कहना है, लग रहा है कि मुझे कहना चाहिए, तो वो जरूर कहें। हाँ कहूंगी। ये जो इतनी बातें सुधा रोहा ने कही, मैं सोच भी नहीं रही थी कि ऐसे कोई कहेगा और आज के दिन कहेगा, क्योंकि मनु भंडारी से जितनी वो बॉम्बे से आके जुड़ी होंगी, मैं दिल्ली से ही जुड़ी हूँ और वो भी मुझसे जुड़ी थी। वो जो उनको अलगाव दिख रहा है वो इसलिए कि राजेंद्र यादव से जुड़ी, मैं राजेंद्र यादव से जुड़ी। और एक बात यहाँ मैं जो नहीं कहना चाहती थी वो मुझे कहनी पड़ रही है कि दोनों ही लोगों को डॉक्टर्स की जरूरत थी, डॉक्टर्स की जरूरत थी, और दुर्भाग्य से मेरे ही घर डॉक्टर ही डॉक्टर थे। तो मनु जी ने मुझसे कहा भी था कि मैत्रेयी तुमसे मेरी दोस्ती इसलिए है कि तुम्हारे घर डॉक्टर हैं। ये उनका वाक्य है, ये मैं नहीं कह रही अपनी तरफ से, ये उनका वाक्य है। जब उन्होंने ये कहा तो मैं एकदम सन्नाटे में आ गई, सन्न रह गई
कि मनु जी क्या कह रही हैं, मैंने तो इतना प्रेम किया है मनु जी को, ऐसा क्यों कह रही हैं, उन्होंने ये बात कही थी। और राजेंद्र जी भी, उनको भी डॉक्टरी सुविधा बहुत जरूरी थी, रोज ही वो एक छींक भी आ जाए तो मैत्रेयी या मुझे डॉक्टर नहीं कहते थे, डॉक्टर नहीं मुझे ये हो गया, तो मैं कहती थी राजेंद्र जी एक छींक भी आ जाए तो ही तो आप हमें पुकारते हैं, ना ये देखें कि 2 बज रहे हैं, ना ये देखें कि 4 बज रहे हैं। हाँ तो ये बात थी, क्योंकि हम अब एक डॉक्टर का एक नहीं, मेरे घर 7 डॉक्टर हैं, तो उनका तो एक कर्तव्य भी होता है कि कोई बीमार है तो जाए। अब मैं ये बातें नहीं करना चाहती थी, लेकिन निकटता तो ये देखिए, मनु जी ने 2 बजे भी बुलाया तो हम 2 बजे गए और 2 बजे हमने एम्स में भर्ती कराया उनको। हैं तो हम तो पूरी तरह से तैयार थे, ये जो बीच वाले लोग हैं ये डालते रहे फांके, और उनका ये मोह भंग हुआ मुझसे, मैं नहीं से मैं इनकार नहीं करूंगी इससे कि उनका हुआ कि, और लगा कि राजन जी की मैं पक्ष लेती हूँ या, लेकिन जो मैंने देखा वो मैंने किताब में लिखा, जो मेरी आंखों से गुजरा मैंने किसी से सुन के नहीं लिखा। और तो आप लोगों को बुरा लगा है तो लगा होगा, मैं जानती हूँ कि लगना चाहिए, अगर बुरा लगा है बुरा लिखा है तो लगना ही चाहिए, लेकिन जो मैंने देखा है जयप्रकाश जी, मैंने सिर्फ वो लिखा है, मैंने किसी से सुन के नहीं लिखा, मैंने किसी के वैमनस्य में नहीं लिखा, किसी से दुश्मनी से नहीं लिखा। मनु जी से मुझे क्या दुश्मनी थी, मैं तो मेरे से बड़ी हैं वो, और मैं मुझे आशीर्वाद देती रही है, मैं तो कभी नहीं ऐसी सोचा भी नहीं है मैंने कभी। तो अब जो अपने मन से कह रहे हैं तो कहें, उनको भी मैं नहीं रोक सकती, लेकिन राजेंद्र यादव ठीक है, लोगों ने भी कहा था कि ज़्यादा पक्षधारी करते हैं, 3-3 समीक्षाएं छापते हैं, तो 3-3 समीक्षा तो सब उनकी, संजीव की भी छापते थे, उदय प्रकाश की भी छापते थे, मैं स्त्री थी इसलिए हो सकता है, लेकिन अब हमारे घर से था राजेंद्र यादव का ज़्यादा था डॉक्टर साहब से मेरे पति से, तो वो उन्होंने 5 बजे बुलाया, कोई घर नहीं, कोई आया नहीं कंसेंट देने, बुलाया तो हम गए, जबकि दूसरे लोग कंसेंट नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते कंसेंट, उन्हें मान नहीं रहे तो कोई आया ही नहीं है, मेरा तो ऑपरेशन ही नहीं होगा, ये बात मैंने गुड़िया भीतर गुड़िया में लिखी है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो अब क्या करें, कंसेंट देनी पड़ेगी, दे आते हैं, और तो डॉक्टर के नाम से उन्होंने कंसेंट भी स्वीकार कर ली, नहीं तो कंसेंट नहीं स्वीकार किया, कोई नहीं आया था, मैं इस बात को क्यों नहीं कहूँ ये और बता दो मुझे, कोई आया ही नहीं था, क्यों हमें बुलाते, उनका 4:30-5 बजे क्यों फोन आया सुबह सुबह कि आ जाओ डॉक्टर, नहीं डॉक्टर साहब को ले आओ। तो मैंने तो ये भी पूछा कि क्या कुछ पैसे भी चाहिए क्या वहाँ पे, बोले नहीं वो प्रकाशक दे गया मुझे। तो अब ऐसे ऐसे मौके पड़े हैं तो हम क्या करते, हम ये कह देते कि नहीं नहीं हम नहीं आ सकते जी, क्योंकि मैं स्त्री हूँ मैं नहीं आऊँगी, मेरे साथ पुरुष भी गया था घर भागा भागा है। तो अब ये सब बातें थी तो निकटता हुई, अब इसको आप कुछ भी कहिए, अब फिर ठीक है तो उनके उनके लोग क्यों नहीं आए थे, हमें क्यों बुलाते वो अगर उनके लोग होते तो ये बातें नहीं खोलना चाहती थी सुधा जी ने, लेकिन आपने खुलवा ली। और ममता कालिया नहीं आई तो मत आओ, ममता कालिया अगर नहीं आई तो मत आओ, है ना, आप भी आई तो बड़ा अच्छा, नहीं आती मत आओ, मुझे बुलाया था जयप्रकाश जी ने, मैं हर हाल में आने को, मैंने तो नहीं कहा कि सुधारो आएंगी तो मैं नहीं आऊँगी, ममता कालिया आएंगी तो मैं नहीं आऊँगी, मैं कभी नहीं कहूँगी ऐसा, सब आएंगी और हम भी आएंगे, मैं मुझे ऐसा वैमनस्य किसी से नहीं। मैं सूर्यबाला जी कुछ कहना चाहती हैं। जयप्रकाश जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज हमें ये बातें करनी है कि मन्नू जी क्या है जी, सिर्फ हम, मैं सहमत हूँ आपसे, हम सब तो उनसे जुड़े रहे हैं। मैत्री जी भी ठीक कह रही है, अपनी बात कह रही है, अपनी बात कहने का सबको हक है, और सुधा की तो खैर कोई बात ही नहीं, सुधा की दुख का नहीं, नहीं अगर आप प्रवोक न करें, आप प्रवोक न करें तो मैं क्यों कहूँ ये बात, बिल्कुल इसीलिए मैंने कहा कि हम आज सिर्फ मनु जी, उनको तो याद नहीं करने दिया, उनकी जो अच्छी बातें थी मैं कह रही थी कि मेरा ये था उनसे, है ना, मैंने लिखा भी है उस पे कि मैंने एक दिन कह दिया मनु जी कितनी अच्छी साड़ी पहन रही हैं आप, तो शाम को ही वो साड़ी पैक होके मेरे घर आ गई, अरे मैंने कहा मनु जी आपने तो भेज दी, अरे तुम कह रही थी अच्छी लग रही तो तुम पहनो और अच्छी लगेगी, ऐसे करके। तो वो सब बातें मैं सुनाना चाहती थी,
लोगों ने तो क्या क्या समझा, खाली इसीलिए कि मैं राजनीति। मैत्री जी, दरअसल आपको और सभी को मैं सिर्फ सकारात्मक पक्ष के लिए ही बुलाया था, और इसमें कहीं कोई आज के समय, आज की तारीख में तो कोई यह मंच राजेंद्र यादव जी से आपके, या राजेंद्र यादव जी से मनु जी के, या राजेंद्र यादव जी से किसी तीसरे के संबंध के निर्धारण की बात नहीं है। सविता जी ने जैसा कहा कि स्त्री पक्ष को लेकर अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग समय में अलग अलग बातें कही गई हैं। मनु जी ने जिस समय में जिस स्त्री को लिखा, सूर्यवाला जी के समय की, आपके सूर्यवाला जी के उपन्यासों में जो और कहानियों में जो स्त्रियां हैं, वो और आज जो स्त्री लिखी जा रही है, बहुत अंतर है। हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी बहन बेटियों सभी में यह देखते हैं, यह अंतर है और रहेगा, इसको हम नकार नहीं सकते। इसलिए मैं कि आप उसको, उस बात को उस रूप में ना लें। सुधा जी ने अपने निजी लगाव की बात, नहीं नहीं सुनिए तो सुनिए सुनिए जयप्रकाश जी, जो सुधा जी ने उठाई उसकी कोई जिक्र नहीं चल रहा था, लेकिन वो शुरू से ये बातें कहने पे चालू हो गई। कोई बहिष्कार कर रही है, कोई कुछ कर रही है, क्या है? हम मनु जी के लिए आए हैं और हम कह रहे हैं हम उनके साथ आप लोगों से ज्यादा रहे हैं, तो हमें सब पता है, उनके अलगाव हुए वो भी पता है, वो जुड़े वो भी पता है, है ना? तो किस लिए ये सारी कहानी लेके आ गई है सुधा जी? जी, एक मिनट में भी बोलना चाहती हूँ। जयप्रकाश जी, देखिए आपने कार्यक्रम में 5-6-7 लोगों को बुलाया, उसमें से अगर 2 लोग नहीं आए तो कोई बात नहीं, आपको ये कहने की जरूरत नहीं थी कि ममता जी ने ये कहा कि मैत्री जी के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे, ये ना कहते तो ममता जी, नहीं नहीं, ममता जी ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कही है, वो लगातार उन चीजों पे लिख रही है, ममता जी ने कोई छुपाया नहीं। और देखिए, मैं तो मैत्रेयी जी को क्यों बुलाया, मैत्रेयी जी को सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि मैत्रेयी जी के साथ, मनु भंडारी जी के साथ मैत्रेयी जी की मैंने तस्वीर देखी थी, और अगर हम मनु भंडारी जी को समग्रता में याद करना और श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, ये मेरा निजी सोचना हो सकता है, मेरा देखिए ये साहित्य तक का, आज तक का मंच है और आप सभी लोग हमारे सम्मानित हैं, और हम बतौर लेखक ही जानते हैं हमें आपके निजी जीवन में क्या घटता है, आप अपने निजी जीवन में कोई क्या करता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, यह बतौर प्रस्तोता, बतौर पाठक। जी जी, निजी जीवन हमारा में नहीं कर रही थी, मैं किताब की बात कर रही थी। हाँ हाँ, किताब की बात करो, आप ही लोगों ने हमको अलग करा दिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं अब इस विषय को हम छोड़ते हैं, वाली वो नहीं चाहते थे हम, दरअसल सविता जी ने सबसे अच्छी बात की, औरतों वाली किसी ने, औरतों वाली किसने बहुत अच्छी बातें की, और हम भी वही बातें करने वाले थे, तुमने कहा, ये शुरू किया। अरे ये अब हम समझते हैं कि चलिए एक 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 लाइन में मैं अब कहूंगा कि अब इस कार्यक्रम को हम एक एक वाक्य में हम सभी के पास जाएंगे, और एक वाक्य में आप मनु भंडारी जी को डिफाइन करिए, और बिना किसी एक दूसरे की नाराजगी के, मैं ममता जी को कल पकड़ने की कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो बोले, लेकिन किसी के खिलाफ और पक्ष में ना हो, वो सुन रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं एक पंक्ति में, मैत्रेय जी आप मनु भंडारी जी को किस रूप में याद कर रही हैं आज की तारीख में? मुझे जितना भी याद है, उन्होंने कोई मुझसे कोई कटु बात कभी नहीं कही, कभी नहीं कही, और उन्होंने बिल्कुल मतलब छोटी बहन की तरह उन्होंने मुझे प्रेम दिया, जो मैंने साड़ी वाली बात भी सुनाई, वो मेरे यहाँ हर विवाह में आई, हर वैसे भी आई, दिन भर भी रही हैं, अगर उन्हें अपने मन में कुछ हुआ होगा तो मुझसे नहीं कहा कभी उन्होंने, तो मैं तो वो एक हमारी बड़ी वरिष्ठ लेखिका थी, हमारी पहली पीढ़ी की लेखिका थी, और उनको हम छायादार, जैसे वृक्ष होता है उसके नीचे हम आ गए छोटे से, मैंने तो उस तरह से देखा, और उन्होंने मुझे गाइड भी किया, है ना, ऐसे नहीं ऐसे लिखो मैत्रेय, तो मैं तो उसी रूप में याद करती हूँ उनको, मैं उनके घर जाती थी, बैठी रहती थी। जी सूर्यवाला जी, आप? मैंने तो शुरुआत ही की थी मैं मनु जी को याद करते हुए, कि वो हमेशा मेरे लिए बड़ी लेखिका रही,
और बहुत अलग रचनाकार थी। अभी सविता जी ने कहा कि हाँ उनकी बहुत बौद्धिकता थी, है निर्णय की जो जिसकी बात कही ना, ये रजनीगंधा वाली और बहुत सी कहानियों की। सुमन जी को तो मैंने बहुत ध्यान से सुना, उनकी कहानियां पढ़ रही हैं, मैंने सुमन को शाबाशी दी थी इस बात की। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि मुझे सब रचनाकारों से अलग रही दो तीन चीजें, उनकी शख्सियत, उनकी खुददारी, उनकी आत्मीयता और उनके पूरे लेखन में जो मानवीयता भरी हुई है। आपका बंटी उसके उसमें जो सिंची हुई मानवीयता है और संवेदना, वो आदमी के अंदर जाके बैठती है। और मनु जी को हम ये सीखे, उस स्तर की लेखिका ने जीवन में इतना कुछ बर्दाश्त किया जो एक चुनौती हो सकती है किसी भी स्त्री के लिए। मैं अक्सर कल्पना करती हूँ कि अगर मैं मनु जी की जगह होती तो क्या करती, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला। मनु जी ने कभी भी एक भी शब्द राजेंद्र जी या किसी के विरोध में कुछ नहीं कहा, जब तक कि बिल्कुल पानी हद से नहीं गुजर गया तब। और मुझे मालूम है कि सुधा जी को, अरे मनु जी को बहुत कहा गया कि नहीं अब आप इसका जवाब दीजिए, और वहां जवाब देना जरूरी था, वरना उस स्तर की शख्सियत, रचनाकार, स्त्री, पत्नी मुझे आज तक हिंदी साहित्य में दूसरी नहीं मिली है जिसने इतना बर्दाश्त करके इतना अच्छा लिखा हो। वो तीन इतने बड़े बड़े रचनाकारों के साथ थी, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, कितना कुछ साहित्यिक फायदा अपने लिए सकती थी, कितनी कुछ उठा पटक नई कहानियों के बीच, नई कहानी के मठाधीशों के बीच में चला करती थी। मनु जी कभी उनके बीच में नहीं पड़े। तो मनु जी ने हमेशा अपने आप को अलग रखकर और बहुत बेहतर दिया इस समय को। और स्त्री कथा लेखन की, महिला लेखन की, तो मैं उन्हें लखावरी ईंट मानती हूँ। और ये भी मानती हूँ कि हमारे साहित्य में अच्छा हुआ कि और मित्रों मरजानी नहीं आई, बल्कि मनु जी की जो ये है सविता जी, मैं इस बात को मानती हूँ, अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है कि नहीं, मित्रों मरजानी का जो उद्दाम स्वीकार है उससे अलग उसको मुझे जाना नहीं है। मनु जी की शकुन में हम नई स्त्री की एक जो नए समय के मोड़ पर खड़ी हुई स्त्री पाते हैं, और मनु जी की शकुन जो है वो आगे के पूरी स्त्री लेखन में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में है, जहाँ से स्त्री ने अपने त्याग का चोला उतार दिया, अपने महिमा मंदन को, और एक वो अपने लिए भी खड़ी होना सीख रही है और अंतर्द्वंद्वों से भी गुजर रही है। तो मनु जी बहुत अलग, बहुत ऊंची शख्सियत थी, और जितने पास गई मैं उतना ऊंचा मैंने उनको पाया। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ, उनको सुधा जी नाम करती हूँ। जी सुधा जी, नहीं सूर्यवाला जी ने बहुत सही बात कही, लेकिन मैं ये कोई तारीफ की बात नहीं मानती कि उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया और कुछ कहा नहीं। कहा तो उन्होंने भी, लेकिन अपने तरह से कहा। वो एक तरह से अपने जीवन की त्रासदियों का कैथारसिस करती रही बड़े बड़े खूबसूरत अंदाज में, वरना जो स्त्री जैसी स्थितियों से गुजर रही उसमें स्त्री सुबोधिनी लिख डालना एक कमाल की बात है कि आप जीवन में क्या हो रहा है, घटित हो रहा है, उसके बाद आप उसको लिख रही हैं स्त्री सुबोधिनी की चुटीली व्यंग शैली में। तो वो गजब के उनमें गजब का कैथारसिस करने का तरीका था, और वो जितनी ईमानदार, पारदर्शी, सरल, सहज इंसान थी, वो बहुत ही एक बेमेल बात है। साहित्य में भी हम देखते हैं कि दोहरे व्यक्तित्व बहुत होते हैं, लेखन में कुछ और है, जीवन में कुछ और है, पर मनु जी का ये बिल्कुल बहुत पारदर्शी, बहुत ट्रांसपेरेंट थी। और सही बात है कि उन्होंने कड़वा तो कभी किसी के लिए कहा ही नहीं, वो विनम्रता उनके स्वभाव में थी, गहरे तक थी। और इसी वजह से कि ताकत बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। मैं तो कहती थी कि आप जितनी छोटे से कद की हैं उतने आपके शरीर में शॉक एब्जॉर्बर्स लगे हुए हैं, गजब के शॉक एब्जॉर्बर्स फिट किए हुए हैं आपने, कि कोई कुछ भी कह दे वो कड़वा नहीं बोलती थी किसी के लिए। और मन्नू जी जैसा रचनाकार फिर कब आएगा कह नहीं सकते, पर स्त्री रचनाकारों में उनका दर्जा मैं प्रेमचंद के बराबर ही समझती हूँ, कि प्रेमचंद के बाद अगर किसी को बहुत पढ़ा गया और अपनाया गया, आम पाठकों ने जिनको
स्वीकार कर लिया तो वो मन्नू जी ही थी। बहुत बड़ा नाम और उन्होंने महाभोज लिख कर तो एक बिल्कुल अपना बिल्कुल एक अलग रूप दिखा दिया, जो उनको बहुत माना जाता था कि स्त्रियों के बारे में बहुत प्रामाणिक लिखती हैं और अपनी बात हर स्त्री हर पाठक उसमें आइडेंटिफाई कर सकता है। तो उन्होंने महाभोज लिखकर भी अपने लेखन के विस्तार को प्रमाणित कर दिया। और जी सुमन जी आप अपने को अनम्यूट करके मैं ये चूंकि एक एक वाक्य में चाहूंगा कि हम आप पहले भी बता चुकी हैं और मैं इस रूप में वैसे इस कार्यक्रम की इस रूप में कल्पना नहीं कर रहा था। मैं हम लगातार कोशिश करेंगे कि अगले एक दो दिनों तक इस चर्चा को अलग अलग रूप में ले जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो हम बातचीत कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से अगली पीढ़ी की जो स्त्री है वह अलग रूप में सोच रही है समझ रही है, और जो हम पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो अलग ढंग से चीजों को देख रहे हैं। लेकिन हम कथाकार मनु भंडारी जी को याद कर रहे हैं, तो सुमन केसरी जी आप बताएं। मैं एक बार फिर से इस बात को रेखांकित करना चाहूंगी कि मनु भंडारी बेहद मतलब वो इस तरह से परसेप्टिव लेखिका है कि समाज की रग रग पर उनकी उंगली है। ऐसे बहुत कम लेखक होते हैं जो समाज की रग रग पर उंगली रखते हैं, और रग रग पर उंगली रखते हुए भी बहुत दुरूह ना हो जाना। कुछ लोग तो जानबूझ करके दुरूह हो जाते हैं, कुछ लोग जानबूझ करके बहुत स्त्रीवाद करते हैं। इन सब से बचते हुए एक सही साहित्यकार के तौर पर एक सही रचनाकार के तौर पर मन्नू जी ने जो भी कहानी या पात्र उठाए जो भी कहानी उठाए उसको बुना। उसमें उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि एक पाव अब हम इसमें सेक्स डालेंगे, आधा पाव इसमें अब आंसू डालेंगे और आधा पाव गाली डालेंगे, ऐसा नहीं। जैसे कि एक कई लोग इस तरह से लिखते हैं और कई लोग इस तरह से जब लिखते हैं तो वो चर्चित भी होते हैं। मन्नू जी बिना यह किए एक जमीन से जुड़ करके, जमीन वो खाली धरती वाली जमीन नहीं या आसपास के वो वाली जमीन नहीं, मनुष्य के भीतर के मन अंतस्थल की जमीन के अंदर तक घुस करके उन्होंने एक कहानियां लिखी हैं अपनी। और इसीलिए मनु भंडारी हर दम एक तरह से वो ये की तरह रहेंगी जिससे कि हम देख सकेंगे कि आगे या पीछे कैसा था और आगे कैसा रास्ता होगा। मन्नू भंडारी बहुत फैशनेबल लेखिका नहीं है लेकिन बहुत जरूरी लेखिका। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने। मन्नू भंडारी कल की तो लेखिका थी, आज की है और कल की भी रहेंगी, और उनका बार बार वहां तक हम वापस लौटेंगे जानने के लिए कि स्त्री लेखन और स्त्री के प्रति जो सोच है या स्त्री का जो जीवन है वो कहाँ कैसे आगे बढ़ा। इस मामले में वो लगातार हम लोगों को मार्गदर्शित करती रहेंगी। और एक बार फिर से मैं कहूँ कि उनका कलेवर बहुत बड़ा है, लेकिन उनकी संभावना जितनी संभावना उनमें थी वो अगर और लिखती तो वो हमारे समय की अभी भी वो मैं कहती हूँ कि वो लगभग मैं बहुत महत्वपूर्ण मतलब ये मैं समझ बूझ करके विचार पूर्ण ढंग से कहती हूँ कि लगभग विश्व साहित्य के परिदृश्य पर है। अगर वो और लिखती बिल्कुल बिंदु होती विश्व साहित्य के उसमें, ये मेरा मानना है। सविता जी कम उपयोग किया जी, कौन नहीं कहेगा कि मन्नू जी एक बहुत बड़ी लेखिका है। मेरा ख्याल है कि जिस पीरियड में वो लिख रही थी उस पीरियड में शायद वो सबसे अच्छी लेखिका थी, और बड़े छोटे के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उनको उनकी तीन कहानियों के लिए ज़रूर हमेशा याद करूंगी और उनको मैं फिर से पढ़ने जा रही हूँ। वो कहानियाँ हैं तीन निगाहों की एक तस्वीर, आँखों देखा झूठ और एक प्लेट सैलाब। ये सारे थीम्स इतने मॉडर्निस्ट हैं, ऐसे नए प्रस्थान बिंदु थे किसी भी लेखिका के लिए, किसी भी स्त्री लेखिका के लिए जहाँ पर वो पहुँच गई थी। और क्या उन्होंने पाया वो तो अभी तय नहीं हो सकता तुरंत,
वो तो तय होगा आने वाले समय में जब हम सब उनको और पढ़ेंगे और उनके बारे में लिखेंगे। फिलहाल तो मैं यही कह सकती हूँ कि मनु जी का जो स्मृति लोप है वो मेरे लिए बहुत ही विचलित करने वाला वाली घटना है। इस पर मैं बहुत सोचती रही हूँ। मतलब बोर्खे बड़े जो लेखक थे मार्केज फॉर एग्जांपल, अंतिम समय में वो भूल गए थे कि वो मार्केज कौन थे, कितने बड़े नॉवेल्स के रचयिता थे। मनुज भी शायद भूल गई थी कि उन्होंने आपका बंटी लिखा या एक इंच मुस्कान लिखा या एक प्लेट सैलाब लिखा, त्रिशंकु लिखा। ये सब चीज़ें हैं जिन पर हम लोग को सोचना चाहिए और मेरा ख्याल है कि हम लोग उनको बहुत आदर से, प्यार से और सम्मान से हमेशा याद करेंगे। निश्चित रूप से समय की शिला पे जो अपनी अमिट छाप अपने अक्षरों से, अपनी कहानियों से, अपने पात्रों से और अपनी लेखन शैली से मनु भंडारी जी ने जो छोड़ा है वह आने वाली पीढ़ियां बहुत लंबे समय तक याद करेंगी। मैं कल फिर यह कार्यक्रम, चूंकि हम मनु जी को याद कर रहे हैं और मनु जी पूरे एक लगभग मैं कहूंगा कि सदी से बहुत कम समय ही हमारे बीच, मतलब उन्होंने एक लंबा अरसा गुजारा है, कई दशकों में उनका लेखन फैला हुआ है और 80 के दशक में, मतलब जो 70 के दशक में जैसे सुमन जी बोल रही हैं, 16 साल की थी जब उन्होंने आपका बंटी पढ़ा था। आपका बंटी मैं किस उम्र में पढ़ा था मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे उसकी बातें अभी भी याद हैं। दूसरी बार मैं बहुत सारी किताबें, मतलब कोई किताब नहीं पढ़ता इसलिए वह भी नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जो पढ़ा हूँ वह बहुत बचपन में पढ़ा हूँ, 16 से भी कम की उम्र में, और याद है। इसलिए कल हम फिर मनु भंडारी जी की याद में यहाँ जुटेंगे। मैं अपने सभी श्रोताओं से यह कहूँगा कि वह कल सुने और आगे की पीढ़ी के साथ ही उनके समय के लोगों के बारे में उनके विचार जाने, लेखन से इतर भी वह कैसी थी, क्या थी, इसके बारे में जाने। और हिंदी साहित्य ऐसे ही नहीं समृद्ध हुआ है। ममता कालिया जी को भी मैं कल कोशिश करूंगा कि वह जरूर आए। मैत्रेयी जी आपका भी आभार, सूर्यबाला जी आपका भी आभार, सुमन जी आपका भी आभार और सविता जी का भी आभार, ममता कालिया जी का भी आभार कि वह सुन रही हैं। धन्यवाद। नमस्कार।